सॉरी, कुछ कस्टमर्स मिल गए थे तो मुझे पार्ट वन में ही मतलब ख़त्म करना पड़ा। अब पार्ट टू वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरा मार्केट का, ठीक है ना। वो चिली का आपको बताया था, अब मैंगो का बता रहा हूँ, बादामी मैंगो आया है। ओके, SRP का, ये भी एक ब्रांड है SRP। बादामी चल रहा है समथिंग अराउंड 24-25। मार्केट में बहुत महंगा आ गया। और एक चीज़ बताना था, मेन पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट का पूरा कंटेनर्स कम से कम 4-5 कंटेनर आ गया है, ठीक है ना। और रेट्स भी उसी हिसाब से फ्लक्चुएट हुए हैं सप्लाई के हिसाब से। अब सप्लाई इतना आ गया है कि रेट 15-14 चल रहा है पोमोग्रेनेट का। श्रीलंका का भी माल आ रहा है, इंडिया का ओवरऑल काफ़ी माल आता है। लेमन लेमन क्या रेट? लेमन चल रहा है 18 से 20। ये रेगुलर ब्लॉक नंबर वन में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर्स आते हैं, यहाँ पे पार्क किए जाते हैं और फिर यहाँ से ही सेल आउट होते हैं। वॉकिंग कस्टमर्स आते हैं, क्वांटिटी में लेते हैं, कोई 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 क्वांटिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50-100 बॉक्स, ऐसा क्वांटिटी में लेते हैं। माल है काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में। अब मैं आपको पोमोग्रेनेट भी दिखाता हूँ, ये अपने एक फ्रेंड के कंटेनर है। हाँ, लोडिंग में डाल दिया, लोडिंग में, लोडिंग में वो वाला चिली। यस, ये अनार आया है गुजरात का, है ना, गुजरात का ही है ना। कैसा है टेस्ट थोड़ा बताएं? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, खाली टेस्ट करके देखना है गुजरात का पोमोग्रेनेट कैसा है। ओके, बस बस। हाँ, काफ़ी अच्छा है। यहाँ से ऑनियन के काफ़ी कंटेनर्स लोडिंग के लिए जाते हैं, लेकिन ये फिक्स लोडिंग है किसी और का, राखी एंटरप्राइजेस करके। उन लोग कंटिन्यू माल खाली लोडिंग के लिए डालते हैं। ये उनका माल है ऑनियन 20 kg बैग्स में। अब हम आए थे 32 ब्लॉक से 16 ब्लॉक तक, अब चलते हैं 15 ब्लॉक से एक नंबर ब्लॉक तक, जहाँ पे बॉम्बे एक्सपोर्ट भी अपना पार्किंग करता है। चिली लेमन उसका भी आता है, तो मैं आपको वो थोड़ा सा दिखा दूँ। ये थोड़ा बिजी एरिया है, एक नंबर ब्लॉक टू 15 ब्लॉक, यहाँ पे कस्टमर्स कुछ ज़्यादा रहते हैं। ये देखिए, मस्क मेलन, पोमोग्रेनेट, चिली, वियतनाम का लेमन, श्रीलंका का टॉपियो का, ये काफ़ी बिजी लेन है। एवरी डे यहाँ पे करीब करीब 10 से 15 कंटेनर एक साथ लगते हैं, इंडिया के भी लगते हैं, वियतनाम के भी लगते हैं, लेकिन इंडिया का मैक्सिमम कंटेनर्स लगता है यहाँ पे। ये बैग्स में भी पैकिंग होती है मोस्टली, बॉक्स में क्या है, अभी थोड़ा गर्मी की वजह से मॉइस्चर ज़्यादा जम जाता है, इसकी वजह से बॉक्स में नहीं ले पाते कस्टमर्स।
ये सॉरी, ये आप देख सकते हैं सारा जो शॉप्स है, मैक्सिमम शॉप्स क्वांटिटी में लेता है जो लोडिंग पर डालता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सऊदीया, बहरीन, ये भाई रोड जाता है। बहुत कम लोग वॉकिंग कस्टमर्स को भेजते हैं। ये हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, शॉप नंबर 7, फोकस फूड स्टफ ट्रेडिंग LLC, और शॉप नंबर 6, शॉप नंबर 15, ये इनको हम ज़्यादा माल देते हैं। बस एकदम बढ़िया, पोमोग्रेनेट बहुत आ गया है इंडिया से, गुजरात से खास करके। अब मैं आपको बॉम्बे एक्सपोर्ट का दिखाता हूँ, जो रेगुलर इनका पार्किंग रहता है यहाँ पे, और कम से कम 3 से 4 कंटेनर इनके वीक में यहाँ पे आते हैं। बॉम्बे एक्सपोर्ट का वाटरमेलन, मस्क मेलन, चिली, लेमन, पोमोग्रेनेट, ये सब रेगुलर आ रहा है, विथ बादामी, अल्फांसो, ये इनका कंटेनर भी आता है। ये आप देख सकते हैं, ये बॉम्बे एक्सपोर्ट का डाइजी नाम से। ये बॉम्बे एक्सपोर्ट का चिली और पोमोग्रेनेट। यहाँ पे मैं एंड करता हूँ अपना वीडियो, और भी बनाऊँगा वीडियो आप लोगों के लिए। ये पूरा बैक साइड था एक नंबर ब्लॉक का, फ्रंट साइड पूरा बिजी रहता है, वो रहता है कस्टमर्स, लोडिंग के कस्टमर्स को, ठीक है। वो फ्रंट साइड का कल आपको वीडियो बना के मैं आपको भेजूँगा, मतलब अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए चैनल को।